जाना चाहूंगा, अपना नाम बताइए और आप लोग शहादत केस में को लेकर क्या कर रहे हैं, आपकी एसोसिएशन जो यूनियन है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है शहादत अली को इंसाफ दिलाने के लिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है और मैं इंडिपेंडेंट एबीएस कैब एंड ड्राइवर एसोसिएशन से महामंत्री हूँ, जो कि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। और ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं और हमारे कोषाध्यक्ष हैं और हमारे संगठन मंत्री हैं। हम लोगों की पूरी एसोसिएशन चालकों के हित के लिए काम करती है, चाहे वो ऐप बेस से जुड़ा हो या रोड पर चलने वाला कोई भी चालक हो। और सादत भाई के मसले में जहाँ तक की बात चल रही है, 30 तारीख का मसला है, 30 जुलाई का, और आज करीब करीब मान के चलिए 12 से 13 दिन हो चुके हैं। इनकी FIR लॉन्च हुए हुए भी लमसम मान के चलिए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो महिला जो अपने आप को मेंटली तौर पर बता रही है कि हम पीड़ित हैं और हमारे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो अभी भी खुली घूम रही है और उनके कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं पुराने, और आसपास जिस जगह की वो घटना है अवध चौराहे की, वहाँ पे हम लोगों ने जानकारी की है, तो वो उस तरह की घटना को पहले भी कई दफ़ा अंजाम दे चुकी हैं, जो कि इनके साथ में हुआ है। इनकी बचत इस वजह से हो गई क्योंकि इनके वीडियोज़ वायरल हो गए और इन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा संयम रखा और किसी भी तरह से महिला को ना इन्होंने टच किया, ना उससे बचाव में भी अपने आप को उसके छूने का और उस बाकी चीज़ों का वो करने दिया। लेकिन FIR होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। क्या वजह है, वो उसको संरक्षण दे रही है या उनकी तरफ से सपोर्ट कर रही है, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी पूरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की हो और चाहे हमारा फेडरेशन है, ये IFED के नाम से हम लोगों का फेडरेशन चलता है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ये हमारा नेशनल लेवल का है, इसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो भी यूनियंस और फेडरेशन है वो जुड़ी हुई हैं। आज शाम को हम लोगों की इसकी मीटिंग है, हम लोगों ने इसमें बातचीत करनी है। जैसे कि सादत भाई से बात हुई हम लोगों की, तो हम लोग उनके साथ में 1 तारीख से ही लगे हुए हैं। हम कृष्णानगर थाने गए, कमिश्नर साहब से मुलाकात करी और हम लोगों ने DM साहब से भी मुलाकात करी आज, तो अनशन हम लोग करेंगे सादत भाई के साथ में, क्योंकि इतना ज़्यादा हैरेसमेंट हो गया है उनका। जैसे अभी उन्होंने बयान दिया था प्रियदर्शनी ने कि हम इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोगों ने इनसे भी बात करी है सादत भाई से, तो वो भी सुलह करने के लिए उसमें पक्ष में नहीं है और हमारा कोई भी चालक समाज का कोई भी एक व्यक्ति। अच्छा, तो क्या DM साहब से आपको जो इसकी परमिशन मिल पाई है कि आप धरना प्रदर्शन, क्या भूख हड़ताल करने वाले हैं या विरोध प्रदर्शन, किस तरह का क्या तैयारी है? DM साहब से जो हम लोगों की बात हुई है तो उन मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, उनके ऑफिस में हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी है धरने की और इसकी प्रदर्शन की, तो उसमें हम लोगों ने 2 जगह का मेंशन किया है, हम लोगों को या तो विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति दें और या तो हम लोग गांधी प्रतिमा पर अनशन करने की अनुमति दें। और इसमें अभी यहाँ पे उन्होंने कार्यालय से पता चला है कि धारा 144 लगी हुई, जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं देंगे, लेकिन अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग अपने पीड़ित चालक भाई के साथ में अनशन करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, भले उसके लिए हम सबको जेल जाना पड़े, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप सब कैब ड्राइवर ही हैं? जी, हम सभी लोग कैब ड्राइवर हैं और हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां चलाते हैं, कुछ लोग कंपनी की गाड़ियां चलाते हैं। और अभी एक मसला आपने और सुना होगा कि ओला कंपनी के ऊपर भी FIR हुई है, वो भी सबके हम लोग सब लोग साथ में ही हैं, तो चालक उनके ऊपर क्यों FIR हुई है, उनका क्या मामला? उनके ऊपर दूसरे मुद्दे को लेकर के FIR करी है, जो गाड़ियां उन्होंने दी थी और लॉकडाउन में ले ली और अभी तक के वापस नहीं करी, वो सारे चालक हमारे बेरोजगार अभी ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, उनके पास भी और कुछ करने के लिए काम नहीं है, वो भी मसला एक चल रहा है हम लोगों का। लेकिन मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि प्रियदर्शनी जी की सबसे पहले गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो समाज के लिए और जो भी पब्लिक रोड पर चल रही है, उनके आसपास घर के आसपास के लोग हों चाहे बाकी रोड पर चलने वाले लोग हों, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं। अगर उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है तो उनको चाहे मेंटल असाइनमेंट भेजें, चाहे घर में घर वाले उनको रखें, लेकिन इसमें किसी भी तरह से सुलह का कोई भी ऑप्शन किसी भी चालक की तरफ से नहीं है और ना ही सादत अली भाई की तरफ से अभी तक इस तरह कोई चीज़ आई है। अच्छा, तो आप लोग का जो है पूरा ये मामला हो गया है, आप लोगों ने सोच लिया है कि उनको इंसाफ दिलाना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे वो सुलह करने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं सुलह करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि क्या पुलिस जो कार्रवाई अभी तक कर रही है वो कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? भाई, पुलिस की कार्रवाई में सिर्फ अभी तक सर ये रहा है कि उन्होंने जो लाइन हाजिर किया है जिन लोगों को, उनकी गलती थी सरासर, उन्होंने बेगुनाह एक तो चालक को उठा करके उन्होंने बंद कर दिया बिना किसी उसके, चलिए पहली बात तो ठीक थी उन्होंने अगर उनको बंद कर दिया 151, 107, 116 में, लेकिन उनके भाई जब रात में गए तो उनको भी उन्होंने बंद कर दिया, उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ में अभद्रता करी और कमिश्नर साहब से हम लोगों ने इसकी शिकायत करी तो कमिश्नर साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर किया, 3 लोगों को कर दिया। बाकी इस केस में अभी और उसके बाद में ना गिरफ्तारी हो रही है, बयान और बाकी मुआयना वायना है या मेडिकल है वो हम लोगों ने उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद में सारी चीज़ें करवाई हैं और हम ही लोगों के आग्रह के ऊपर बंथरा थाने को इसकी विवेचना सौंपी गई है। बंथरा थाने के SHO साहब इसको देख रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें ओके करा ली हैं, मेडिकल हो गया, इनका टेक्निकल मुआयना हो गया, गाड़ी भी शायद इनकी वहीं जमा है और बाकी हम लोगों ने कोर्ट में एक रिट फाइल करने की करें, हाई कोर्ट में भी हम लोग फाइल कर रहे हैं रिट और एक लोअर कोर्ट में हम लोगों ने डाली है इसकी याचिका,
जो सादत अली भाई के केस में जो इतनी लापरवाही बरती जा रही है और अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही उसके एवज में। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है जो अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से सब हम लोग शुरू में जब उन्होंने बर्खास्त किया था कमिश्नर साहब ने तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा समय हो चुका है लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और बाकी किसी तरह के कोई अपडेट हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इस मसले में और उसमें हमारे गिरफ्तारी ना होने की वजह से हमारे चालक जो भाई हैं सादत अली भाई उनको भी मानसिक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जब तक उसकी बंदी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो लोग आकर के इनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी की जिसकी इज्जत इंटरनेशनल लेवल तक के उतर चुकी है तो वो अब ना तो बाहर निकलने के अभी इस टाइम पे सिचुएशन में है और ना ही कुछ और काम करने की सिचुएशन में। एक उनकी छोटी दुकान उन्होंने बताई थी उस पर अपना जो भी चटनी रोटी जैसे तैसे चल रही उनकी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो